नमस्कार दोस्तों, एबीवी टैंक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि MTM टर्नर लाइट ऐप क्या है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप का जो भी है यहाँ पर रिव्यू काफी अच्छा है जो कि 4.3 और इसकी डाउनलोडिंग वो 50 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने शो करने लग जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों ऐसे हमारे कुछ इधर से इसका जो भी इंटरफेस रहेगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद दोस्तों ऐसे हमारे जो भी तो दोस्तों कुछ इधर से इसका जो भी इंटरफेस रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से ये सर्वर देखने को मिलेंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने इधर सर्वर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कौन सा भी सर्वर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसी तरह से स्टार्ट वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे सामने कुछ इधर से यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी सर्वर रहेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों कुछ इधर से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से यहाँ से ऐड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इधर से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से इसकी स्पीड भी आपको ऊपर की तरह साइड देखने को मिल जाएगी और थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आपके जो भी इसकी जो अबाउट में इसकी जो भी डिटेल रहेगी वो देखने को मिल जाएगी और उसी तरह से ऐसे इसके प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह इधर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इस ऐप को ऐसे आप लोग डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर स्टॉप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे स्टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इधर से इस ऐप को ऐसे अपने मोड में यूज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।